मेरे नैनों के नूर, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बाराबंकी। बाराबंकी में पड़ता है रुदौली स्टेशन, और रुदौली स्टेशन में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नंदा पांडे का पुरवा। गांव में लोग, गांव में जो घर होते हैं वो ज़्यादातर पुरवा मोहल्ले उनके पुरवा के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो वहाँ पांडवों की संख्या भी ज़्यादा अधिक रही होगी, पांडे लोग ज़्यादा रहे होंगे ब्राह्मण लोग, तो उसका नाम पड़ गया नंदा पांडे का पुरवा। तो नंदा पांडे के पुरवा में श्रीमद् भगत भागवत कथा का आयोजन हुआ। तो जो व्यास जी कथा कहने आए थे, श्रीमद् भागवत कहने आए थे, उनका नाम था माता प्रसाद। और माता प्रसाद को बड़े प्यार से सभी लोग निर्मोही कहते थे कि भाई निर्मोही बहुत अच्छी कथा कहते हैं। और वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनना हो, सत्यनारायण कथा सुननी हो, कीर्तन कराना हो, बहुत बढ़िया कहते हैं। ऐसा कहते कि आदमी बिल्कुल भक्ति भाव में लीन हो जाए, उसी में उसका मन बिल्कुल रमण कर जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेम विषय पर बड़ी सुंदर व्याख्या की जो मेरे मन को भा गई, और मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोग को भी उसे बताऊँ। तो उन्होंने कहा कि आज हमें पता चला कि अंग्रेजी में प्रेम का जहाँ एक अर्थ है, अंग्रेजी में प्रेम को क्या कहते हैं लव, वहीं हिंदी में उसके अनेकों अर्थ होते हैं। पंडित जी ने बताया कि भाई भाई में प्रेम नहीं होता है, वहाँ स्नेह होता है। पुत्र पिता से प्रेम नहीं करता, वो श्रद्धा करता है। और माता पिता संतान से प्रेम नहीं करते, वो वात्सल्य होता है। और पति पत्नी से भी प्रेम नहीं होता है, पति पत्नी का आपस में प्रेम नहीं होता है, वो राग होता है, उनमें राग होता है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। जब दो लोगों में से कोई एक खुद को दूसरे के सापेक्ष बहुत कम समझे और दूसरे को बहुत ज़्यादा आंके, उसके महत्व को बहुत ज़्यादा माने, तो उसकी स्थिति प्रेम कहलाती है। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या, माताजी आपको तो बहुत कुछ आता है, माताजी आप तो बहुत सुंदर, माताजी आप बहुत अच्छी, मतलब आप लोग में तो इतना प्रेम टपकता है कि ऐसा लगता है कि माताजी तो बहुत महान है। लेकिन मेरे लाडलों, मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, आप लोग का प्यार देखकर मैं धन्य धन्य हो जाती हूँ। जहाँ हम अपने आप को कुछ भी ना समझें और दूसरे वाले को बहुत कुछ समझें, उसे बेहद सम्मान दें, प्रेम वो होता है। प्रेम स्वार्थ का नाम नहीं है। मैंने तो बहुत पतियों को देखा कि वो अपनी पत्नी को ब्याह करके लाते इसलिए कि मेरे माँ बाप की सेवा करें, मेरे घर का सारा काम करें, मुझसे कभी कुछ मांगे नहीं, मेरे हाथ पैर दबाए, बिल्कुल सजी सवरी हर समय मुझको मिले, लेकिन मुझसे कुछ चाहे नहीं। तो वो बेटा प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। और वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं, क्योंकि पत्नी को भी ईश्वर ने विवेक बुद्धि दी है। तो दूसरों से प्यार करो, जब तुम प्यार दोगे तभी तो प्यार मिलेगा। तो अद्भुत प्रेम का उन्होंने वर्णन किया, जिसको सुनकर मेरा दिल तो गदगद हो गया। भाई इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आप में आपस में हमेशा प्रेम बना रहे। सबको प्रेम से बाय बाय।